हेलो गाइस, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम वेलकम टू IPS। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में देखो, केवल स्मार्ट वर्क और या केवल हार्ड वर्क से नहीं होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बात बनती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और स्मार्ट वे में आप जानते हो कि सवाल को किस तरह से बिना ज़्यादा मेहनत करे हमें आंसर निकाल लेना है, देन दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको पहले हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा कि भाई किस तरह से, यानी कि हर एक बेसिक्स जानना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट जानने ही पड़ेंगे, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, फिर निकल के आता है आपका स्मार्ट वर्क। जब एक बार हार्ड वर्क हो जाता है तब तो आपका स्मार्ट वर्क निकल के आता है, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से बात बनती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे, दैट विल बी परसेंटेज। परसेंटेज से सवाल ज़रूर आते हैं एग्जाम में, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जिसमें मैंने ये सवाल आपको दिया था करने को और बोला था कि भाई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करें मुझे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया है, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या एक रेक्टेंगल है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है पी क्यू आर एन एस, ये क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्किल। एक क्वार्टर सर्किल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, क्वार्टर सर्किल का मतलब सर्किल का 1/4 पार्ट। ठीक है, एज शोन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 24 सेंटीमीटर। ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्यू से लेके एस तक का ये जो ये लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डायगोनल ऑफ दैट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है, विच इज 24 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लेंथ कितनी है, पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली पी क्यू एस क्या है, पी क्यू एस क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, सो पी क्यू एस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमको दे रखा है, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, दिस इज नॉट 24, दिस इज द एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड पी क्यू इज 6। नाउ क्वेश्चन पूछा है द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्किल, इस क्वार्टर सर्किल का एरिया हमको बताना है। क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। तो एक काम करिए, अगर पी क्यू आर एस में रेक्टेंगल की बात करूं, अगर मैं पी को आर से ज्वाइन कर दूं, लेट्स ज्वाइन पी टू आर, पी को आर से एक बार अगर मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, बेसिकली है क्या है, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, पी आर क्या है, इस रेक्टेंगल की डायगोनल है, और साथ ही साथ पी आर की ये रेडियस भी। ठीक है, इस क्वार्टर सर्कल क्या है, पी आर रेडियस। नाउ अगर ये रेडियस है तो क्या मैं इसकी डायगोनल निकाल सकता हूँ, क्या मैं रेक्टेंगल की डायगोनल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो, हमको पता है एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया कितना है 24, और एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है भाई, बेस है 6 और हाइट हमको पता करनी है, ये हाइट हम पता कर सकते हैं, तो व्हाट विल बी द हाइट, हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी बट 8 सेंटीमीटर, और उसका बेस कितना है 6। नाउ हम यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वी नो द परपेंडिकुलर इन द बेस वी कैन इजिली फाइंड द हाइपोटेन्यूस विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। सो द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर द होल अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर, बेस इज 6 स्क्वायर, तो दिस विल बी 64 प्लस 36, वी हैव अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि 10। यानी कि जो पी आर है, जो मैं कह रहा हूँ डायगोनल है, या मैं कहूँ इस क्वार्टर सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस इज 10
हमको क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है, एरिया पूछा है। तो एक बात सुनिए, इसमें जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस आर इन फॉर्म ऑफ पाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे मिसिंग है ऑप्शंस में, दैट शुड बी 36 पाई, 25 पाई, 48 पाई एंड 13 पाई, राइट। नाउ व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 10, यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, क्वार्टर सर्किल है। अगर क्वार्टर सर्किल है देन डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि दिस इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, देन इट विल बी पाई 10^100 अपॉन 4, इट विल बी 25 पाई, दिस विल बी द आंसर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर भाई ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको आंसर पता होगा कि व्हाट विल बी द आंसर। देखिए इसको, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा होगा, बाकी सब स्टूडेंट्स ने। आप लोग कोशिश किया करो कि भाई कमेंट सेक्शन में आंसर करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे तो आपको चीज़ें जानने की उत्सुकता होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, दैट विल बी परसेंटेज। अब क्या होता है परसेंटेज, ये तो हमने बहुत बार बात कर रखी है कि भाई परसेंटेज क्या है। बेसिकली जो परसेंटेज बना है टर्म, वो बना है पर सेंटम से, किससे, पर सेंटम। पर सेंटम का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ एवरी 100, व्हाट, आउट ऑफ एवरी 100, यानी कि 100 में से, आउट ऑफ 100 अगर मैं किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को बता पाता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे भाई मेरे 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, ठीक है, 50 में से 40 नंबर में लेके आता हूं, तो भाई परसेंटेज बताओ, यानी कि 100 में से बताओ, 50 में से 40, तो 100 में से कितने, 100 में से 80 नंबर, यानी कि आई गॉट 80% मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, यानी कि आउट ऑफ 100 की बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त जिसे मैं बोलूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग 2 मिनट का समय ले लो, क्योंकि मोर देन सफिशियंट रहेगा, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड यू कैन स्टार्ट नाउ एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए भाई। चलिए भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कैलकुलेट
कह रहा है कुकुम्बर कंटेन्स 99% वाटर, कुकुम्बर के अंदर 99% वाटर है ठीक है, बाकी 1% क्या होगा सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड पार्ट है कुकुम्बर का 1% है, बाकी 99% वाटर है। रमेश बाई 100 kg ऑफ कुकुम्बर, रमेश ने 100 किलो में कुकुम्बर खरीदे। आफ्टर 30 days ऑफ स्टोरिंग द कुकुम्बर लूज सम वाटर, यानी कि 30 दिन तक उसने उसको रखा और कुकुम्बर के अंदर से कुछ ऐसे वाटर निकल गया, पानी निकल गया। दे नाउ कंटेन 98% वाटर, अब उनके अंदर कितना परसेंट पानी बचा 98%। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द कुकुम्बर नाउ, अब जो कुकुम्बर का जो वेट है वो हमको बताना है कितना है। देखो अभी मान लो कि भाई 99% अगर वाटर है तो बाकी 1% क्या होगा, बाकी 1% हमारा सॉलिड पार्ट होगा, दिस इज सॉलिड पार्ट एंड दिस इज वाटर राइट। अब 100 किलो है तो भाई 99 kg हमारा वाटर होगा और 1 किलो मेरा सॉलिड होगा, क्योंकि 99% है और वही वो जो परसेंट है आउट ऑफ 100 होता है मेरा, और टोटल कितना उसने खरीदा 100 किलो। दे नाउ कंटेन 98% वाटर, यानी कि अब उसके अंदर केवल 98% ही पानी बचा, यानी कि 98% पानी का मतलब बाकी का 2% क्या होगा, बाकी का 2% यहाँ पे हमारा होगा सॉलिड पार्ट। लेकिन चाहे मैं उसको 30 दिन के लिए रख दूं, चाहे उसको मैं 100 दिन के लिए रख दूं, क्या कभी सॉलिड वाला पार्ट घटेगा या बढ़ेगा, कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, हमेशा पानी जो है वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सॉलिड वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो शुरू में कितना था वाटर, वाटर वॉज 99%, सॉलिड वॉज 1%। अब वाटर मेरा 98% है तो बाकी का बचा 2% वो क्या होगा, वो सॉलिड पार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड पार्ट कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा सॉलिड वाले पार्ट को हमें सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहले रेशियो ले लिया, लेट्स से रेशियो ऑफ वाटर एंड सॉलिड इज 99:1। अब जो रेशियो दैट इज 98:2, अब मुझे सॉलिड वाले पार्ट को सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेशियो को, वी विल गेट 2 एंड 99:2 यानी कि 198। नाउ दिस इज द करेक्ट रेशियो ठीक है, दिस इज द करेक्ट रेशियो यानी कि 198:2 एंड 98:2। अब वाटर कितना कम हो गया, 198 से केवल 98 बचा और सॉलिड पार्ट तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। अब देखो ये कितना कम हुआ है, ये कितना कम हुआ है 100 लेस हुआ है, दिस इज 100 लेस। अब यही तो कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द कुकुम्बर नाउ, अब जो कुकुम्बर का वेट है वो कितना है, यानी कि अब कितना वेट है भाई, कुल मिला के 100 है, ये किलो नहीं है, दिस इज नॉट केजी। पहले कितना था 198+2 यानी कि कुल मिला के 200। अब देखो 200 का मतलब क्या है, 200 का मतलब है 100 किलो, 200 का मतलब 100 किलो, तो एक का मतलब 100/200, और किसका मतलब पूछ रहा है 100 का मतलब पूछ रहा है, 100 का मतलब 50 किलो, यानी कि अब जो कुकुम्बर का वेट हो गया है वो कितना हो गया भाई 50 किलो हो गया है आफ्टर स्टोरिंग इट फॉर 30 days, 30 दिन स्टोर करने के बाद। बात क्लियर हो गई, मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बार देख लीजिए। पहले वाटर और सॉलिड जो पार्ट था हमारा ठीक है, पहले जो वाटर और सॉलिड जो पार्ट था हमारा उसमें हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 99% है और ये 1% है, अगर ये 99% होगा तो बाकी का बचा कितना होगा 1% ही तो होगा। अब आगे देखो, अब आगे हमने क्या किया, अगर ये 99% है आप कह रहा है 30 दिन स्टोर करने के बाद उसके अंदर केवल 98% ही वाटर बचा, कितना 98% वाटर, और बाकी का 2% क्या होगा सॉलिड होगा। अब इसका रेशियो 98:2 है वाटर सॉलिड का, और पहले था 198:2। अब देखो 99 जो 1 था हमारा इसको हमने बना लिया कितना 198:2, क्यों, क्योंकि सॉलिड वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, उसको सेम बनाने के लिए जो सॉलिड वाला पार्ट है इसकी जो क्वांटिटी है इसको सेम बनाना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे ठीक है इधर। अब देखो 198 से कितना हो गया 98, कितना वाटर 100 कम हो गया। अब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा वाटर और सॉलिड को, कुल मिला के कितना है 200, 200 का मतलब 100 किलो, एक का मतलब 100/200, अब पूछ किसका मतलब रहा है, जब पानी लूज हो गया उसके बाद जो टोटल वेट बचा उसका
वाटरमेलन का सॉरी कुकुम्बर का वो हमसे पूछ रहा है, दैट विल बी इंटू 100, यानी कि सॉल्व करें कितना आएगा भाई, 50 के लिए, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, दिस इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, करें भाई इसको। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, देखो हमसे कह रहा है, अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक पर्सन किसी टेबल को 10% प्रॉफिट में बेच देता है, सेल कर देता है। इफ ही हैड बाउट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, कह रहा है काश वो टेबल को 5% लेस में खरीद के लाया होता। यानी कि क्या यहां पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। मैं मान लेता हूं कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 100 लेके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, अगर 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इफ द प्रॉफिट इज 10% देन द सेलिंग प्राइस विल बी 110। 100 का 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा, तो 100 में 10 को ऐड कर दो, प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा जितने में उसने बेचा। अब कह रहे हैं काश वो 5% लेस में उसको खरीद के लाता, अगर 100 से अगर 5% लेस में खरीद के लाए, यानी कि दिस विल बी 95, 100 से 5% लेस, यानी कि 100 का 5% इज 5, यानी कि आप 95 में खरीदे, तो क्या कह रहा है, सोल्ड इट फॉर 80 मोर, और कह रहे हैं 80 रुपये ज्यादा में बेच दे, तो पहले कितने में बेच रहा है भाई, 110 में। एक काम करो, लेट्स से इट इज 100x, 110x, 95x एंड दिस इज 110x प्लस 80, यहाँ पे 80 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है ना, पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब 110x प्लस 80 में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे x मैंने इसलिए लगाया कि ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हमने अपने मन से एज्यूम करी है, ये इन रुपीज में मिक्स ना हो जाए, दैट्स वाई वी हैव टेकन एज x, राइट। नाउ अब कह रहा है उसको 20% का गेन हुआ, ऐसा करने पे उसको 20% का गेन होता है, यानी कि 5% लेस में खरीद के लाया और 80 रुपये ज्यादा में बेचा, अब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 95x है ना, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं आप इजीली, प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इन 200, फॉर्मूला इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 95x का 120% निकाल लो। 120% में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 20% तो प्रॉफिट है और हर एक कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मान के चलो। अब जितना उसमें प्रॉफिट होता है, जैसे कि 100% तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, अगर इसमें 20% का प्रॉफिट होता है देन इट विल बी 120%, कॉस्ट प्राइस का 120% जब निकालोगे यू विल गेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला 120%। नाउ दिस विल बी 140
माइनस 110x दैट विल बी इक्वल टू 80, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी व्हाट, 80 अपॉन दिस विल बी 4 यानी कि 20। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, टेबल की जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100x यानी कि दिस विल बी 2000, 2000 रुपये इसकी कीमत होगी। जब भी ऐसा पूछे ना कॉस्ट प्राइस बताओ, इसका मतलब ओरिजिनल ही पूछ रहा है। ठीक है, एक बार इसको देख लो जस्ट सेकंड, देखिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो टेक योर टाइम, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट। चलिए देखो सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखो मैं थोड़ा सा टाइम आपको कम दे रहा हूँ क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस पे इतना समय वैसे लगेगा नहीं, बट हाँ अच्छे से समझेंगे, जरा ध्यान से देखें। क्या नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इन सच अ वे दैट द दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट, कहने का मतलब क्या है कि जो दो नंबर को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, किस तरह से कि पहले पार्ट का 80% 3 ज्यादा है किससे, दूसरे पार्ट के 60% से, राइट। एक काम करते हैं, एक पार्ट को आप मान लो कुछ x, दूसरे पार्ट को y मान लो, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर x और y की मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो इसका 80% और इसका 60%, इसका 80% इसके 60% से 3 ज्यादा है, तो अगर मैं इसका 80% कहूंगा तो 80% क्या होता है भाई, 80% इज 80/100 इंटू एक्स, एक्स का 80% क्या हो जाएगा, 80/100 इंटू एक्स, तो बेसिकली क्या है, दिस विल बी 0.8x यानी कि 0.8x माइनस 0.6y दैट विल बी इक्वल टू 3, इसके 60% से 3 लेस है, 3 ज्यादा है।
अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला माइनस छोटा वाला, दैट विल बी इक्वल टू 3। वैसे ही 80% ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का 80% जब मैं निकालूंगा वो 6 ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट वाले पार्ट के 90% से। तो इक्वेशन बन गई। अब देखो दोनों को हमें सॉल्व करना है और साथ ही साथ चीजों को एलिमिनेट भी करना है। तो क्या कह रहा है, देन द नंबर इज व्हाट, जो नंबर है वो क्या होगा, बेसिकली नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई ही तो होगा। तो नंबरों को हमने तोड़ा है, ब्रेक किया है एक्स और वाई में, तो दोनों को प्लस करके यानी कि जो टोटल नंबर है वो कितना होगा वो हमको बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, पहले सही करिए यहाँ पे और यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई करूँ और ये पॉइंट्स को हटा दूँ। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो यू विल गेट 8x एंड वी विल गेट 6y एंड वी विल गेट 30, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना पूरी इक्वेशन को, जिससे टर्म्स हट जाएंगे। नाउ ये वाई वाली टर्म्स में सेम बना सकता हूँ या एक्स वाली टर्म में सेम बना सकता हूँ, दोनों में से एक कर लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं एक्स को सेम बनाऊँ तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी विल गेट 72x माइनस 54y एंड 270, राइट। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाले टर्म को पहले, तो दिस विल बी 72x एंड प्लस 8 इंटू 8 64y 480, तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 10y एंड दिस विल बी 750 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 75, y की वैल्यू 75 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो वैल्यू को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स से आप इस वाली वैल्यू में पुट कर रहे हो, यू विल हैव 8x माइनस 6y दैट विल बी इक्वल टू 30 एंड दिस विल बी 450, 480 डिवाइडेड बाई 8, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 60। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 75 प्लस 60 यानी कि 135। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ज़रूर, लेकिन हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ किसी कैलकुलेशन में बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसी में बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी और किसी किसी में थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है। तो उस तरह का ये सवाल है, हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर लो कि भाई अगर इस तरह की इक्वेशन बनी परसेंटेज में तो कैसे सॉल्व करेंगे। छोड़ना नहीं, छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, तो इसको करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अगेन 2 मिनट का समय लो और इसको आप करिए।
ओके तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए देखिए, सवाल हमसे ये कह रहा है द एंट्रेंस टिकट ऑफ एन एग्जीबिशन वॉज ₹5, यानी एक एग्जीबिशन का जो टिकट है वो ₹5 का है एक टिकट, ठीक है। लेटर इट वॉज डिक्रीज बाई 20%, यानी कि उसके बाद क्या हो गया है, बाद में उसका जो वैल्यू है यानी कि जो टिकट का वैल्यू है 20% से लेस हो गया है, कि भाई अभी ₹5 का है, अब टिकट का जो कॉस्ट है 20% से कम हो गया है। अगर मैं 5 का 20% पूछूं, यानी कि 5 × 20/100, यू विल गेट 1। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 5 से इसका वैल्यू 1 कम हो गया, ₹1 कम हो गया, यानी कि इसका जो नया वैल्यू दैट इज ₹4। पहले ₹5 टिकट का प्राइस था, अब ₹4 प्राइस था। दिस इज द प्राइस ऑफ द टिकट। नाउ डज द सेल अमाउंट इज इंक्रीज बाई 44%। ऐसा ही होता है कि भाई कभी टिकट के पैसे अगर कम हो जाते हैं तो क्या हो गया, सेल ज्यादा हो जाती है। सेल क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सेल कितनी हो गई, 44% से ज्यादा हो गई। मैं मान लेता हूं भाई पहले सेल ₹100 की हो रही थी, लेट्स एज्यूम कि पहले सेल ₹100 की हो रही थी, अब जो सेल है 44% से बढ़ गई है, यानी कि नई जो सेल है दैट विल बी 144%। देन व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उनकी संख्या में कितने परसेंट से बढ़ोतरी हुई है, ये हमको बताना है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। देखो नंबर ऑफ विजिटर्स कैसे आएंगे, जितनी भी टोटल सेल हुई है उसको एक टिकट के प्राइस से अगर मैं डिवाइड कर दूं, कि भाई ₹100 की सेल हुई है टोटल, पर एक टिकट का प्राइस ₹5 था, तो 5 5 5 करके कितने लोग यहाँ पे देखने आए एग्जीबिशन को, 100/5, यानी कि दिस विल बी 20। तो देर आर 20 विजिटर्स। अगर 144 का टिकट, 144 की सेल हुई है, हर एक टिकट का प्राइस ₹4 है, देन द नंबर ऑफ विजिटर्स आर 36। नंबर ऑफ विजिटर्स पहले 20 थे और फिर कितने हो गए, 36 हो गए। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। वैसे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, वैसे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई बताइए। वैसे इंक्रीमेंट हुआ है 16 का, लेकिन 16 विजिटर्स अब ज्यादा देखने को आए हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे आता है, जितना इंक्रीमेंट आया है उसको ऊपर लिखिए, और जितना इनिशियली थे, इनिशियली जितने थे उसको नीचे लिखिए, × 100। खत्म बात, यानी कि 80%। तो देयर इज हाइक, और वी कैन से देयर इज इंक्रीज इन परसेंटेज दैट इज 80%। बात क्लियर है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं जहां पे परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इस तरह के सवाल पूछ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, और इस होमवर्क के क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, इन क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, और प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत, जैसे कि मैंने कहा मेहनत यानी कि कठिन मेहनत, और साथ ही साथ जो आपका स्मार्ट वर्क है दोनों काम करेगा, क्योंकि इस टाइम जो इस तरह का जो टाइम आ चुका है कंपटीशन का, इस कंपटीशन के टाइम में आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ कह सकते हैं ब्लेंड करिए, और अपना जो 100% है वो दीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।